always fun to see Aisha Takia on screen aur woh bhi dobara screen mein nazar aayengi film Mode ke zariye. Sabse pehle Aisha, bahut bahut swagat hai aapka Zoom mein. Thank you. मूड के बारे में बताइए, आप बहुत कम फिल्में करती हैं, इवन तो आपकी फैंस जब आपको बहुत देखना चाहते हैं, कई फिल्मों में देखना चाहते हैं, व्हाट वाज इट मूड में, क्या बात थी जो कि आपने इस फिल्म को बनाई? बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली. पहली बात तो नागेश की फिल्म है, मुझे उनके साथ फिल्म करना हमेशा अच्छा लगता है. डोर के साथ, डोर के बाद हम चाहते थे कि कोई ऐसी फिल्म आए जिसमें वो मैजिक हो. फिर 2 इयर्स का मैंने ब्रेक भी लिया था आफ्टर माय मैरिज, तो मैं चाहती थी कि मैं कोई ऐसा रोल करूँ जिसमें एज एन एक्टर आई गेट अ चांस टू चैलेंज माई सेल्फ एंड डू समथिंग यू नो डिफरेंट. तो जब नागेश ने मुझे ये रोल ऑफर किया और ये स्क्रिप्ट नरेट किया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड बिकॉज एट दैट पॉइंट मैं चाहती थी कि मैं कोई फिल्म करूँ जस्ट टू चैलेंज माई सेल्फ. फॉर 2 इयर्स आई हैड मिस्ड that moment between action and cut. तो फिर आई थिंक बिकॉज इट वॉज नागेश, इट वॉज सो ईजी फॉर मी टू से येस आई एम ऑन. डिसाइड भी किया था कि मैं शादी करने वाली थी, इट वॉज आफ्टर द शूटिंग ऑफ वॉन्टेड. सब ने मुझे कहा यू आर इनसेन, यू नो व्हाट आर यू डूइंग, बट आई थिंक मैं हमेशा ऐसे डिसीजन लेती हूँ विच आर टू अदर पीपल वेरी आउट ऑफ द बॉक्स, बट मैं हमेशा मेरी खुशी के लिए एंड मोमेंटरी आई नो what's मेकिंग माई लाइफ हैप्पी, सो आई टेक दोज डिसीजन. तो मेरे लिए दिस 2 इयर्स वर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं 15 साल की थी तब से मैं हीरोइन हूँ, मैं फिल्में कर रही हूँ, तो अब 11 साल हो गए हैं यू नो इन दिस इंडस्ट्री एंड आई needed that time to myself to travel, explore, understand myself. So it was not hard to refuse anything because I knew I have taken that break and I wanted that time to myself. Thank you so much for talking to us, Aisha, and we really wish you all the best for more.